मोदी सरकार के मंत्री पीयूष गोयल ने आज संसद भवन में अंतरिम बजट पेश किया और उन्होंने दावा किया कि उन्होंने महंगाई की कमर तोड़ दी है। आइए जानते हैं महिलाओं से वाकई महंगाई कम हुई है कि जस की तस है। आपको क्या लगता है महंगाई कम हुई है? नहीं, महंगाई मुझे नहीं लगता कम हुई है। आप शिक्षा के क्षेत्र में ही देख लीजिए, शिक्षा कितनी दिन पे दिन महंगी होती जा रही है। बच्चों की बुक्स हैं, फीसेज हैं, हमेशा हर साल बढ़ा देते हैं। हर कोई अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा शिक्षा देना चाह रहा है, वो कैसे दी जाए? आपको क्या लगता है कि महंगाई किचन में कम हुई है जस की तसी है? नहीं, वैसे ही लगता है कोई महंगाई कम नहीं हुई है, क्योंकि आजकल तो सबसे पहले तो गैस का ही है, गैस सबसे ज्यादा महंगी है, उसके बाद सब्जियां हैं और चीनी वगैरह, ये सब कुछ महंगा ही होता जा रहा है दिन पर दिन। कोई महंगे में हमें तो राहत नहीं मिलती है। स्नैक्स आइटम है, बच्चों के लिए जो कुछ चाहिए वो कुछ ऐसा मिलता ही नहीं है सस्ती चीज में। हर चीज महंगी होती जा रही है। महंगाई जब बढ़ जाती है तो उसके लिए आप क्या करते, क्या कटौती करते हैं अपने घरों पर? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, बच्चों का मन मारना पड़ता है किसी ना किसी बात में अपना, कहीं ना कहीं कटौती करनी, खाने पीने में करनी पड़ेगी। मन है उनका कुछ और खाने का, ऐसा नहीं हुआ तो वही सब कटौती करनी पड़ती है। ऐसे मंत्री ने, पीयूष गोयल जी ने बोला कि बच्चों को, युवाओं को उन्होंने रोजगार बहुत दिया, आपको लगता है कि कहीं रोजगार रहा? जी मुझे नहीं लगता, बिकॉज इंडिया में न्यू कमर्स के लिए ऑप्शन काफी कम है। यहाँ पे हालांकि कंपटीशन इतना ज्यादा है, फिर भी उस कंपटीशन को कम करने के लिए सीट्स वगैरह नहीं बढ़ाई जाती हैं, या फिर जॉब अपॉर्चुनिटी इतनी नहीं है जिसकी वजह से ब्रेन ड्रेन हो रहा है और इंडिया के होनहार बच्चे बाहर जाके अपनी कमाई का सोर्स ढूंढते हैं, जिस वजह से हमारी इंडिया की इकोनॉमी और डेवलपमेंट दोनों पे काफी असर पड़ता है। पीयूष गोयल जी के महंगाई वाले बयान और युवाओं को रोजगार वाले में मिली जुली प्रतिक्रिया देखी। क्रांतिवीर सिंह, ईटीवी भारत, बधाई।